मैं नहीं कर पा रहा था, अच्छा एग्जाम मतलब होने के बाद भी नहीं कर पाया था। हाँ, लेकिन अभी रिलीफ है, काफी अभी रिलीफ एकदम है। रिलीफ है, बहुत बढ़िया। हेलो नमस्कार, मैं हूं अनीता, आपके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं हिजामा हाउस। हिजामा मीन्स आपने सुना भी होगा काफी टाइम से, ये एक थेरेपी है और काफी लोगों को पता है इसके बारे में, काफी लोग अवेयर है इसके बारे में, बट काफी लोगों को ये चीज पता नहीं है। काफी लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है हिजामा को लेके। मीन्स लोग बोलते हैं कि ये जो है खून निकाला जाता है ऐसे वैसे, बट एक बहुत ही पुरानी थेरेपी है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। और कैसा होता है जब भी चीजें बाहर से आती है, जैसे जापान में इस थेरेपी को बहुत ज्यादा अपनाया गया है, आउट ऑफ इंडिया जब भी इस थेरेपी को वहां से जब भी लोगों को पता चला है कि नहीं ऐसा भी कुछ होता है, इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, या फिर कुछ रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं और ट्रीटमेंट काफी मतलब रिलीफ देने वाला होता है, तो लोगों को जाके ये चीज पता चली है और बहुत से लोगों को नहीं पता है ये चीज। तो है आज हम जाने वाले हैं हिजामा हाउस, तो आप भी हमारे साथ चलिए, ये एक एक्सपीरियंस कीजिए, इस ट्रीटमेंट इस थेरेपी के बारे में जानिए। तो फिर हम मिलते हैं आपको वहीं मेरा पे। नाम फारूक मनिया है, मैं पिछले 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सर्विस करता हूँ, और बैक पेन का, लोअर बैक पेन का जो तकलीफ है पिछले 2.5 साल से, लगभग 2.5 साल पहले मैंने उसका एक्सरे वगैरह करा के सारा मेडिकल में चेकअप कर लिया था। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे बॉडी में स्टिफनेस आ गया है, इसके कारण ये प्रॉब्लम है। तो स्टिफनेस का प्रोसेस किया, करने के बाद में 2-4 महीने अच्छा लगा, फिर उसके बाद में कंटिन्यूस 2-3 महीने वही प्रॉब्लम फेस करने लगे आप? फिर कंटिन्यूस प्रॉब्लम फेस करने लगा और चमक भरने को लगा 2 महीने के अच्छा, बाद या 3 महीने के बाद कंटिन्यूसली चमक भरने के लगा। और चमक इतना पेनफुल होता था कि मैं बैठा तो उठने को डिफिकल्टी होता था और उठने के बाद बैठने को डिफिकल्टी होता था। तो और उसका कोई रीज़न नहीं था चमक क्यों भर रहा है, मतलब नॉर्मल एक्शन करने गया तो भी अचानक पेन होने का मौका, हाँ तो वो अल्टीमेट पेन था सब। मतलब ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा नहीं नहीं उससे, ट्रीटमेंट मतलब थोड़ी के बाद देर। में 1-2-3 महीना रिलीफ था, उसके हाँ बाद में फिर ये कंटिन्यूअसली 2-3 महीने के बाद चमक भरने का एक्टिविटी शुरू हुआ। ओके तो वो एक्टिविटी ने बहुत परेशान करके रखा। तो एक बार ऐसा हो गया कि कोई बाहर से एक लेडीज आके उन्होंने मेरा मसाज करके चमक निकालने का वो प्रोसेस हाँ भी किया, बट वो टेम्पररी हो गया, उससे भी 2-3 दिन रिलीफ मिल गया। फिर नेक्स्ट वीक में प्रॉब्लम चालू हो गया, तो फिर आप ये रिपीटेड प्रॉब्लम चालू हो गए। अच्छा तो एक बार ऐसा ही चमक भरने के बाद आई वेंट टू मिस्टर जगताप, जो है जगताप, डॉक्टर जगताप, ओके तो उन्होंने मुझे इनका रेफरेंस दे दिया अच्छा, हकीम हाकिम जावेद जी, साहब का। तो यहाँ पे आने के बाद इन्होंने फर्स्ट मुझे कुछ आयुर्वेदिक दवा दे दी हाँ और उसके बाद में भी रिलीफ मिला मुझे, बट जो रिलीफ मिलने के बाद में 8-15 दिन फिर से चालू हो गया चमक भरना, मतलब मतलब परमानेंट रिलीफ आपको मिला परमानेंट ही रिलीफ नहीं? हुआ ही नहीं, हाँ, परमानेंट इलाज ही नहीं मिल रहा था नहीं आपको? हुआ। तो आज जब हिजामा हो गया है तो आई एम फीलिंग वेरी बेटर। अच्छा, तो आपका ये फर्स्ट टाइम था जो आपने हिजामा नहीं, कल मतलब किया था हिजामा और ओके कल 100% हुआ नहीं था हाँ, सम सेकंड उसका रीजंस। प्रोसीजर रहता है, मतलब हाँ, कुछ ऐसे 3-4 ऐसे सेशंस रहते हैं उसके। तो कल मेरा लगभग 70% क्योर हो गया था, बट आज आई एम फीलिंग दैट कि मेरा 100% क्योर हो गया। ओके अच्छा, नाइस। अब अभी वो भी एक्शन आपको करने को बोलेंगे मैं अभी करके दिखा सकता हूँ, आई कैन स्टेट, मैं खड़ा रह सकता हूँ बिना कुछ रिकॉर्ड के। रुको में जाइए क्या, मैं नहीं कर पा रहा था, अच्छा एग्जाम होने मतलब के बाद भी नहीं कर पा रहा था। हाँ, लेकिन अभी रिलीफ है, काफी अभी रिलीफ एकदम है। रिलीफ है, बहुत बढ़िया अच्छा, इसको फीलिंग। हिजामा कहते हैं। ये हिजामा में हम लोग क्या करते हैं मैडम, हिजामा दरअसल क्या होता है कि ब्लड में जो इम्प्यूरिटी होती है, जो टॉक्सिक होते हैं, जितने टॉक्सिक जमा होते हैं हमारे खान पान की वजह से और हमारी आदतों की वजह से, ये एक्यूमुलेट होते हैं ब्लड के अंदर, उसको हम लोग डिटॉक्स करते हैं। और वो अच्छा डिटॉक्स होने की वजह से हमारे बॉडी में जो खून का जो दौर होता है वो फिर से अच्छे से बहने लगता है। तो जितना खून का दौर अच्छा बहेगा उतना बॉडी के अंदर फ्रेशनेस महसूस होगा, मतलब फ्रेश महसूस होगा, यानी बॉडी में अलसीपना नहीं रहेगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, नेक से लेके तो लोअर पेन तक, L4 L5 L3 जो है नीचे, हाँ तो उनको लंबर स्पाइन की तकलीफ थी, इनको शोल्डर के में प्रॉब्लम था, तो हमने कप्स लगा के इनको डिटॉक्स कर दिया। एक ही सेटिंग है इनका, अगर इस तरीके से और भी एक दो सेटिंग करेंगे तो इसके आगे लाइफ में इनको तकलीफ भी होगी नहीं सर। ये सिर्फ इन्होंने इनका खान पान, इनका बैठने का तरीका, सोने का तरीका ठीक करना चाहिए। कोई भी आदमी अपने खाने को अच्छा करे, अपने डाइट को अच्छा करे, अच्छा करें, यानी कि ऑर्गेनिक चीज खाने की कोशिश करे, शुद्ध पानी पिए, बैठे तो तरीके से बैठे, सोए तो तरीके से सोए, और अपने विचारों अपने आचार को अच्छा रखे।
तो हमारे हिजामा हाउस से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इंसान को डिटॉक्स करना चाहते हैं और मेडिकल से केमिकल से उसको फ्री करना चाहते फ्री करना चाहते हैं ताकि उसकी लाइफ जो बची वो अच्छी चले। मैं हकीम जावेद शादीवान पूना से, हिजामा हाउस इसका मेन ब्रांच दिल्ली कुरला और पूना में थर्ड ब्रांच है। तो हमारे डॉक्टर मुश्ताक शरीफ सर ये हमारे सीनियर हैं, सीनियर उनके अंडर में हम लोग काम करते हैं हिजामा का, और ऐसे सेंटर्स हम हर जगह कायम करके लोगों का इलाज करना चाहते हैं। तो मैं ये सेंटर से मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोगों को क्रोनिक बीमारी है यानी कि लंबा स्पाइन के तकलीफ है, शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर है, डायबिटिक है, बीपी है, खून गाढ़ा हो चुका है, उसकी तकलीफ है, तो बजाय मेडिकल के मेडिसिन लेने से एक मरतबा हिजामा हाउस पे आए, आप हमसे सेटिंग लगाएं, इसका इलाज कराएं। हिजामा खून निकालने को नहीं कहता है, हिजामा असल जो मकसद होता है कि हमारे स्किन के ऊपर की जो लेयर में जो भी इम्प्योर ब्लड होता है, जो टॉक्सिन जमा होते हैं, उसको सुपर स्पेशल कट करके हम लोग डिटॉक्स करके निकालते हैं, इट्स कॉल्ड हिजामा। और ये भारतीय संस्कृति के अनुसार 5000 साल पुराना तरीका है, द पार्ट ऑफ द पंचकर्मा, इट्स कॉल्ड रक्त मोशन। लेकिन इसको हम लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया, तो बाहर के मुल्कों ने, जापान है, चाइना, इन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करके इन्होंने इसको इजाद किया कि ये कितना बेनिफिशियल है इंसानों के लिए। तो मैडम हम लोग उस थेरेपी की तरफ आज लोगों को इस तरीके से ट्रीटमेंट देना शुरू करें। इसे मींस फीमेल्स भी कर सकते हैं ना? इसको फीमेल कर सकते हैं। 3 महीने का बच्चा जो छोटा है, 3 महीने के बच्चे का भी हिजामा हमारे यहाँ होता है, और 100 साल के आदमी का भी हिजामा सेंटर से होता है मैडम। यानी हिजामा इट्स अ थेरेपी, तो आदमी को क्योर करता है, हील करता है, ये कोई नया नहीं है, कोई अजनबी नहीं है, सिर्फ हम लोग ने ये थेरेपी को भूल गए थे, हम उसको रिमाइंडर कर रहे हैं कि भाई अपना थेरेपी इसको आए, इसको करे, इसको देखे। धन्यवाद।